हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी नंदरानी है वो दुल्हन बनकर सज कर आ गई थी पार्लर से। तो यहाँ पे किसी के यहाँ हमने बिठा दी थी ये, तो यहाँ पे सब इनको देखने के लिए आ रहे थे कि वो कैसी लग रही हैं किसी का शादी जवान में, हो ज्वेलरी वगैरह और लहंगा किसी वगैरह में कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे थे इनके साथ, जो यहाँ पे इनके बैठे हुए हैं, इनके बहनों ही हैं, इनकी बहन के हस्बैंड है जो यहाँ पीछे साइड बैठे हुए हैं। तो जो इनके बहनों ही ने काफी फोटो खिंचा रहे थे, उठ ही नहीं थे कुर्सी पे, किसी और का नंबर आने ही नहीं दे रहे थे। तो मैं हैंड से कह रही थी किसी और का नंबर आने दो फोटो खिंचाने के लिए दुल्हन के साथ। तो यहाँ ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा बेटा एंड मेरी बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, ये भी फोटो खिंचाने आए थे, लेकिन वहाँ पे किसी का नंबर नहीं आ पा रहा था फोटो खिंचाने के लिए। तो ये मत वेट कर रहे थे परेशान यहाँ पे कर, कि हमारा नंबर आएगा तो हम भी बुआ के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे जब ये उठ के जाते हैं तो इनके फ्रेंड आ जाते हैं यहाँ फोटो खिंचाने के लिए। इनकी बारी खत्म ही नहीं हो रही थी, वन बाय वन ये दुल्हन के साथ फोटो खिंचाए जा रहे थे, इतना टाइम ले रहे थे ये सारे के सारे फोटो खिंचाने के लिए दुल्हन के साथ, यानी कि मेरी नंद के साथ। तो काफी लोग वेट कर रहे थे इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो जब ये जाएंगे तभी फोटो सबके खिंच पाते हैं यहाँ पे। देखिए, ये वो वाली क्लिप है जब दुल्हन स्टेज पर जाती है, और स्टेज पे जब सारा प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद दुल्हन को हम घर में लेके आते हैं, मैं की मेरी नंद है जो उनको घर पे लेके आते हैं। ये तब की क्लिप है क्योंकि हम मैं स्टेज पे नहीं गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं नहीं गई स्टेज पे, तो मैंने स्टेज की फोटो नहीं ले पाई इनकी। तो यहाँ पे इनको लाके बिठाया है, इसके थोड़ी देर बाद ही इनको फेरे के लिए ले जाएंगे बाहर। तो अभी थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है कि बाहर फेरे वगैरह पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी चल रही है, तो इसलिए इनको अंदर बिठा लिया था, और अभी थोड़ी देर बाद इनको बाहर लेके जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बड़ी जेठानी जो है वो खड़ी है, और ये मेरे हस्बैंड है जो उनकी बहन खड़ी है, और पीछे दुल्हन खड़ी है, और जो पास में खड़ी है वो दुल्हन की मम्मी है, और ये दुल्हन की बहन है जो इनको रेडी करके अब बाहर लेके जाएंगी। बाहर फेरे पड़ने का टाइम आ गया है तो अब इनको बाहर लेके जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि गांव के यानी कि विलेज के ब्लॉग कैसे हैं, शादी जो वगैरह हैं जो ब्लॉग कैसे हैं, तो ज़रूर बताएं आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मेरी नंद है उनको फेरे के लिए बिठा दिया गया है यहाँ पे, और तैयारियाँ चल रही हैं फेरे करवाने की। तो यहाँ सारे बैठे हुए थे, सारे सारे देख रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप बनाई है, काफ़ी सारी बनाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, फेरे कराने से पहले यहाँ पे जो कन्यादान लिया जाता है, कन्यादान का प्रोग्राम किया जाता है, यहाँ वही चल रहा था, सब बारी बारी कन्यादान ले रहे थे। तो जो अभी कन्यादान ले रही है वो मेरी बीच वाली जेठानी है, तो वो कन्यादान लेंगी यहाँ पे, और बड़ी वाली ले चुकी थी कन्यादान जब तक मैंने क्लिप बनाई यानी कि वीडियो बनाई, तब तक वो ले चुकी थी। तो ये मेरी बीच वाली जेठानी है, वो कन्यादान ले रही है, और इनके बाद मैं लेने जाऊंगी। तो मेरी वीडियो क्लिप यहाँ पे नहीं है क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था तो वो मैंने नहीं बना पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, ब्लू जो ब्लेजर पहन रखे हैं वो मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे कन्यादान लेना था इनके साथ। तो इनको मैंने बुलाया था तो ये सो रहे थे, तो मैंने किसी से कहलवा के इनको बुलवाया था, तो यहाँ पे खड़े हो गए। एक तिल्ली बुझाना है, कितने मांगने हैं? तिल्ली बुझाना, फैसला है, तुम्हारे मुझे दो मांग रहे हैं, पांच पांच तो आ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फेरे पड़ने से पहले लड़कियां वगैरह जो भी हैं इनके जूते चुराई वगैरह के सब नेक मांग रही थी, तभी फेरे पड़ने देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने नेक निकाल के दे दिया। तो
तो फिर देखिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। ये पीछे जो खड़ी है वो मेरी नंद है, जो जिनकी शादी हो रही है उनसे थोड़ी सी बड़ी। तो फिर देखिए यहाँ पे फेरे पड़ने के लिए दूल्हा दुल्हन उठ चुके हैं, यानी कि मेरी नंद है जो वो उठ चुकी हैं फेरे लेने के लिए। तो यहाँ पे अब फेरे चालू हो जाएंगे इनके। तो देखिए जो यहाँ पे जूते जो इनके चुराए थे वो भी इनके वापस कर दिए, जो दूल्हे राजा थे उनके जूते वापस कर दिए यहाँ पे। तो अब होंगे फेरे, तो एंजॉय करिए आप मेरे ब्लॉग को। नहीं आप बनाओ हम तो आपसे भी ले लेंगे, अगर हमारी नहीं बनी तो। हाँ भामरे गाओ, भामरे बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फेरे जो लास्ट फेरा होता है, या पता नहीं कौन सा फेरा होता है, तो यहाँ पे ना जो दूल्हे राजा होते हैं तो उनको ना एक जो भी नंद होती है ना उनकी चप्पल पहना दी है यहाँ पे पैरों में, पता नहीं कौन सी रस्म होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शादी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे ये वाली, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम गांव में किसी शादी पहली बार अटेंड करी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरी रात हमने जगह शादी अटेंड करी यहाँ पर। तो यहाँ पर जब फेरे हो जाते हैं उसके बाद सिंदूर वगैरह जो सिंदूर दान किया जाता है, मतलब सिंदूर दुल्हन की जो मांग में डाला जाता है, तो यहाँ पर वो वाला प्रोग्राम चल रहा था। तो काफ़ी सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आप भी इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को, और थोड़ा सा मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें बिना बिल्कुल ना जाएं, एंड मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, एंड एंड तक मेरा ब्लॉग जरूर वॉच करें। काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं आप इस ब्लॉग को, क्योंकि ये गांव की शादी होती हैं, जो ब्लेज वगैरह में शादियाँ होती हैं वो काफ़ी इंजॉयबल होती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर, क्योंकि एक तो गाँव का माहौल भी काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं फेरे हो चुके थे, और फेरे के बाद जो ये वचन बुलाए जाते हैं जो दूल्हा और दुल्हन से, तो यहाँ वो वाला प्रोग्राम चल रहा था। तो फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सारी क्लिप्स हैं मेरे पास शादी की, एंड काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं शादी के, एंड वन बाई मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप काफ़ी इंजॉय करिए इनको, वॉच करिए, काफ़ी इंजॉयबल सारे ब्लॉग्स हैं मेरे। नरेश को आज से मैं अपना पति स्वीकार करती हूँ। नरेश जी को आवाज में आ रही है, उनकी तो ऐसी लिख रही है।